भाजपा नेता और जिला विकास परिषद के सदस्य सुरेश शर्मा ने छंब विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मेरा मांदरिया की पंचायत नरडी के लोगों की लंबित मांग को पूरा करते हुए पीने के पानी की नई परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सुरेश शर्मा ने कहा कि इलाके में लोगों को पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती थी और इस परियोजना के शुरू होने से पंचायत नरडी के कई गाँव में लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी और पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पंचायत नरडी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2 नए ट्यूबवेलों का निर्माण किया जाएगा और पुरानी पाइपों को भी बदला जाएगा ताकि हर घर स्वच्छ जल व नल पहुंचाया जा सके। और लोगों की एक बहुत ही दरीना डिमांड थी कि स्कीम को कम्प्लीट किया जाए और अक्सर इस एरिया में हमारा ये गांव नाली सियाल धन्ना काचड़वा पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी लोगों को। और पिछले साल हमने यहाँ पे जनता दरबार किया था और लोगों से ये वायदा हमने किया था कि बहुत जल्दी ये स्कीम आपकी कंप्लीट की जाएगी। NRDWP के अंतर्गत इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। आज इस स्कीम का हमने शुभारम्भ किया है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं पंचायत नरडी के सभी अपने भाई बहनों को शुभकामना देता हूँ। हमारी सरपंच निशा जी, हमारे यहाँ के पंच श्रीमान बोधराज जी, नायब पंच केवल जी हैं, बाकी सभी पंच साहिबान, भारतीय जनता पार्टी मंडल के हमारे अध्यक्ष श्रीमान रामलाल शर्मा जी हैं, बाकी विभाग के सभी अधिकारी AW उनके बाकी विभाग के जितने भी लोग हैं सबको मैं शुभकामना देता हूँ। और हमारी रीता वर्मा जी महिला मोर्चा की पूर्व में जिला अध्यक्ष रही हैं और उपाध्यक्ष हैं, VDC हमारी बहन सुषमा जी हैं, बाकी सभी साथी। आने वाले दिनों में हमारा प्रयास है पंचायत नरडी के अंदर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने 2 न्यू ट्यूबवेलों की सैंक्शन जो है सरकार ने दी है और हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी उनका काम स्टार्ट किया जाएगा। और वो ट्यूबवेल बनने से हमारा ये जितना भी कंडी का क्षेत्र है ब्लॉक मेहरा मांदरा के अंदर आने वाले दिनों में 9 ट्यूबवेल जो है वो JJM के अंतर्गत जिनका काम स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें बुड़ुई में एक है, 2 नरडी में है, मेहरा मांदरा में है, कड़गा बलगाड़ा में है, ग्राटल में है, पिठाड़ में है। कोई भी ऐसी पंचायत हमारी नहीं है जिसमें JJM के अंतर्गत नया ट्यूबवेल नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे ये कंडी का जो क्षेत्र है अक्सर इस एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को रहती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो JJM पूरे भारतवर्ष के अंदर योजना लागू की है वो योजना कम्प्लीट होने पर मुझे लगता है कि हमारा जितना भी ये कंडी का क्षेत्र है, क्या ब्लॉक मेहरा मांदरा है, ब्लॉक चौकी चोरा है, कहीं भी पानी का कोई संकट नहीं रहेगा। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कहता हुआ आज के शुभ अवसर पर हृदय से सबको शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।